हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन सेलर हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, या फिर आप टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं इन तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या फिर ऑनलाइन सप्लायर्स के लिए? तो ऐसे में आप सभी को हमारा यह इम्पोर्टेंट वीडियो जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि GST के अंडर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS के सभी प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2018 से। तो ऐसे में हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे TCS अंडर GST के सभी प्रोविजंस और सभी इम्पोर्टेंट FAQs को, जहां पर हम TCS अंडर GST की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, TCS रेट, TCS पेमेंट, TCS रिटर्न, ड्यू डेट्स, किस तरह से किया जाता है TCS का क्लेम, इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे सिंपल और शॉर्ट में एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के साथ। फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन्फो मीडिया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और हेल्पफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बिल बटन को जरूर से प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS अंडर GST से रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट। और हम आज सबसे पहले समझेंगे कि TCS अंडर GST को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लाइबिलिटी किसकी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, जिन्हें इस सेक्शन के अंडर नाम दिया गया है ऑपरेटर का। अगर हम सेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट की बात करें तो वहां पर बताया गया है, जब भी हम गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर, तो वह कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और जो पर्सन उन डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को ओन करता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग, मिंत्रा जैसे सभी हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ऐसे में इन तरह के सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी TCS को कलेक्ट करने की। फ्रेंड्स, इसके बाद हम समझेंगे कि TCS अंडर GST के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किसे है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को GST का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा, साथ ही उन्हें TCS के कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए TCS अंडर GST का भी रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेने की रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसे ऑनलाइन सेलर जो कि इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो उन्हें केवल GST रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, उन्हें TCS के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही आप ध्यान दें कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो खुद अपनी सर्विसेज की सप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को GST रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या फिर हो ऑनलाइन सेलर, आप सभी को GST रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। और आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए बनाए गए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे TCS अंडर GST से रिलेटेड रेट्स की। तो TCS की रेट आपको हम बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली नोटिफाई की गई है TCS की रेट, जो की है एट द रेट ऑफ 1%। अगर आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हैं तो आपको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा SGST एट द रेट ऑफ 0.50% और CGST एट द रेट ऑफ 0.50%। और वहीं पर आप अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हैं तो आपको केवल TCS IGST कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। जिनसे रिलेटेड दो अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं CBIC के द्वारा। अब फ्रेंड्स, हम समझेंगे TCS अंडर GST जो कि कलेक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, वह किन सिचुएशंस में यानी कि कब कलेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी और की गई सप्लाई के ऊपर कंसिडरेशन को कलेक्ट किया जाएगा, भले ही एक्चुअल कंसिडरेशन को बाद में कलेक्ट किया जाए, तो उस सिचुएशन में TCS को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के जरिए इस टॉपिक को समझें तो मान लीजिए कि आपके द्वारा कोई सप्लाई की गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू 30 अक्टूबर 2018 को, लेकिन उससे रिलेटेड कंसिडरेशन कलेक्ट किया गया है नवंबर 2018 में। तो इस सिचुएशन में जैसे कि सप्लाई की गई है अक्टूबर 2018 में, भले ही एक्चुअल कलेक्शन मिल रहा हो आने वाले नवंबर 2018 के मंथ में, तो TCS को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अक्टूबर 2018 के मंथ में। अब फ्रेंड्स, हम समझेंगे TCS अंडर GST किस वैल्यू के ऊपर या फिर किस अमाउंट के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑनलाइन सेलर के द्वारा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू की गई नेट टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर TCS को कलेक्ट किया जाएगा। अब यह नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले किसी पीरियड में की गई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट वैल्यू को लें, उससे आपको लेस करना है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंडर आने वाली ऐसी सर्विसेज जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा खुद से की जाती है। उसके
बाद आपको लेस करना है उस पीरियड में रिटर्न हुए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के एग्रीगेट वैल्यू को। इसके बाद आपका जो भी अमाउंट होगा वह होगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। और उसके बाद आपको टीसीएस से रिलेटेड रेट लिखनी है। अगर आपके द्वारा इंटर स्टेट सप्लाई की गई है तो आप IGST 1% एज टीसीएस कलेक्ट करेंगे। और वहीं पर अगर आपके द्वारा इंट्रा स्टेट सप्लाई की गई है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है SGST 0.5% और CGST 0.5%। और यह परसेंटेज आप नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर अप्लाई करें तो आपका टीसीएस का अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स एग्जांपल के जरिए समझें तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक ऑनलाइन सप्लायर है मिस्टर एक्स जो अपने टी-शर्ट्स को सेल करते हैं ऑनलाइन, जिससे रिलेटेड रेट रखी गई है 1000 पर पीस। और यह ऑनलाइन सेल वे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अमेजन इंडिया के थ्रू, जहां पर अमेजन इंडिया उनसे चार्ज करता है कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। और यह टी-शर्ट परचेस की जाती है मिस्टर वाई के थ्रू, जो कि एक बायर है जो अमेजन इंडिया पर आते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान 2 क्वांटिटी ऑफ सच टी-शर्ट्स को परचेस करते हैं और पे करते हैं 1000 ईच फॉर 2 क्वांटिटी ऑफ टी-शर्ट्स इंक्लूसिव GST एंड अमेजन कमीशन। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले उस पीरियड में की गई 2 क्वांटिटी ऑफ टी-शर्ट्स से रिलेटेड टैक्सेबल सप्लाई के टोटल वैल्यू को लिखना है, जो कि होगी 2000 रुपीज। उसके बाद कोई सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड की गई हैं और एप्लीकेबल हैं तो उसके अमाउंट को लेस करें। उसके बाद आपको लेस करना है उस पीरियड में रिटर्न की गई 1 क्वांटिटी ऑफ टी-शर्ट्स से रिलेटेड टैक्सेबल सप्लाई के अमाउंट को, जो कि होगा 1000 रुपीज। और 2000 माइनस 1000 करने के बाद जो 1000 रुपीज का अमाउंट आएगा वह होगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद आपको डिसाइड करनी है टीसीएस की रेट, जो कि डिपेंडेबल होगी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर सप्लाई इंटरस्टेट है तो टीसीएस की रेट रहेगी 1%, तो टीसीएस का अमाउंट आ जाएगा 10 रुपीज। और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड टीसीएस की रेट रहेगी SGST 0.5% और CGST 0.5%। तो आपको जो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा वह है SGST 5 रुपीज और CGST 5 रुपीज। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि किन सिचुएशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसी सप्लाई की जाती है जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स या फिर सर्विसेज से रिलेटेड रहती है तो उस सिचुएशन में टीसीएस को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू की गई सप्लाई के ऊपर टैक्स को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिसिपिएंट के ऊपर, यानी कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर की गई सप्लाई के ऊपर टीसीएस को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कंपोजिट टैक्स पेयर है जीएसटी के अंडर और जैसे कि कंपोजिट टैक्स पेयर सप्लाई नहीं कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू तो उनके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही अगर कोई गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड इम्पोर्ट किया गया है जो कि आता है कस्टम्स एक्ट के अंडर और उससे रिलेटेड सप्लाई की जाती है तो उस पर भी टीसीएस कलेक्ट करना एप्लीकेबल नहीं होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं जीएसटी के अंडर टीसीएस को पेमेंट करने की ड्यू डेट यानी कि टाइम फ्रेम क्या है। तो जिस मंथ में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा उसके फॉलोइंग मंथ के 10 तारीख के अंदर उस टीसीएस को पे कर दिया जाना चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू। इसके बाद हम फ्रेंड्स समझते हैं टीसीएस अंडर जीएसटी से रिलेटेड मंथली रिटर्न क्या है और उससे रिलेटेड ड्यू डेट क्या होगी। तो फ्रेंड्स टीसीएस अंडर जीएसटी को रिपोर्ट करने के लिए एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को फॉर्म GSTR 8 के थ्रू, जिससे रिलेटेड ड्यू डेट है जिस मंथ में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा उसके फॉलोइंग मंथ के 10 तारीख के अंदर उन्हें फॉर्म GSTR 8 के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि टीसीएस अंडर जीएसटी से रिलेटेड कोई एनुअल रिटर्न है और अगर है तो उससे रिलेटेड ड्यू डेट क्या होगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को एक ईयरली एनुअल रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है और वह फाइल होगा फॉर्म GSTR 9B के थ्रू और इससे रिलेटेड ड्यू डेट है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न फाइल होगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद आने वाले 31 दिसंबर के अंदर। अब फ्रेंड्स आते हैं हम सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा उसे ऑनलाइन सप्लायर किस तरह से क्लेम कर सकेंगे, यानी कि हम समझेंगे टीसीएस के क्लेम प्रोसेस को। फ्रेंड्स सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर को नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टीसीएस को कलेक्ट करना है, उसके बाद उस कलेक्ट किए गए टीसीएस को डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट अकाउंट में चालान के थ्रू और उसके बाद उस डिपॉजिट किए गए टीसीएस से रिलेटेड उन्हें रिपोर्ट करना है जीएसटी के मंथली रिटर्न GSTR 8 में। और जैसे ही मंथली रिटर्न GSTR 8 की फाइलिंग की जाएगी वैसे ही रिपोर्ट किया गया टीसीएस का क्रेडिट एक्चुअल सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा अंडर रिस्पेक्टिव टैक्स हेड। उसके बाद एक्चुअल सप्लायर किसी पीरियड के लिए कैलकुलेट की गई टैक्स लायबिलिटी के डिस्चार्ज के टाइम पर उस अवेलेबल टैक्स क्रेडिट को यूज कर सकेगा। और अगर किसी सिचुएशन में कैश लेजर में टीसीएस का एक्सेस अमाउंट रहता है जिसका वह एडजस्टमेंट अपनी टैक्स लायबिलिटीज के साथ नहीं कर पाता है तो जीएसटी के प्रोविजंस के अंडर रिफंड क्लेम फाइल कर सकता है। तो फ्रेंड्स यह थे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स टीसीएस अंडर जीएसटी के प्रोविजन
रिटर्न से रिलेटेड। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में बताई गई टीसीएस अंडर जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनकी भी हेल्प करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।